हाय गाइस, आज आपके साथ मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करनी है। उससे पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आपके जीवन में आप ढेर सारी मेहनत करते हैं लेकिन रिटर्न में आपको बस इतना पिद्दी सा कोई रिजल्ट मिलता है? क्या आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लोगों को मनाने की, रिझाने की कोशिश करते हैं लेकिन रिटर्न में आपको बस इतना सा रिस्पॉन्स, इतना सा प्यार मिलता है? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये बिल्कुल सही वीडियो है कि जिसके ऊपर आप आए हैं। आई वुड सजेस्ट पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए और उसी के बाद या आप यहाँ से जा सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू वॉच दिस एंटायर वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। एक्चुअल में क्या हम जानने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू लर्न मोर अबाउट द 80-20 प्रिंसिपल। अब ये 80-20 प्रिंसिपल 1800, मुझे हिंदी में बोलना नहीं आता, 1897 के आसपास ये डिस्कवर हुआ था और तभी से, मतलब तब बहुत ज़्यादा इसे सीरियसली नहीं लिया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ 100 साल के बाद इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो चलिए देखते हैं क्या है 80-20 प्रिंसिपल। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच। जीवन में आप, मतलब कितना ज़्यादा अधिक एफर्ट, अधिक मेहनत आप करना चाहते हैं, करते हैं कि जिसका कितना रिजल्ट आपको मिल सकता है। अब काफ़ी लोगों को आप देखते हैं, पता नहीं इतना ज़्यादा हेल्थ में वो काम करते हैं, हेल्थ के ऊपर वर्कआउट करते हैं, डाइट करते हैं, ये वो इतना ज़्यादा करते हैं और एफर्ट उनको इतना सा मिलता है, उनको रिजल्ट इतना सा मिलता है। हेल्थ के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा ही उनके बॉडी में उनको फ़र्क लगता है। सेम चीज़ अप्लाई करती है आपके लव लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ आप इतने ज़्यादा आप क्लोज हैं, क्लोज होने की कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा उनको मनाने की, रिझाने की, खुश रखने की कोशिश करते हैं लेकिन बस वो इतना सा ही खुश होते हैं, जैसे आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं। ये हो गया क्वांटिटेटिव अप्रोच, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इनपुट्स डालते रहते हैं। अब देखते हैं उसका ऑपोजिट, क्वालिटेटिव अप्रोच, कि जहाँ पर आप जो भी इनपुट देते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं वो बस थोड़ी सी होती है लेकिन आप सबसे बेस्ट एनर्जी उसमें डालते हैं, उस 20% में, कि जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलता है। आपके पार्टनर के साथ आप इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं रिलेशनशिप को बरकरार रखने में, बस 20% कोशिश करते हैं जिससे 80% ऑफ द टाइम आप बाजी मार लेते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है? आप कहेंगे ऐसा थोड़े ना होता है, अगर मेहनत करेंगे, अगर कड़ी मेहनत करेंगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, आपका जीवन का जो भी क्षेत्र नहीं काम कर रहा है उसमें आप देखिए कितनी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं उस एरिया को चलाने के लिए। हेल्थ हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप, करियर, सक्सेस, मनी, स्पिरिचुअलिटी, कितनी ज़्यादा मेहनत आप करते हैं कि जब मुश्किल से आपको 20% उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो जहाँ पर भी आपके जीवन में ऐसा हुआ है, आपको एक काम करना है कि आपको वो सारी एक्स्ट्रा मेहनत करना बंद कर देना है।
दिल से आप उसके ऊपर काम कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए। अगर कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है तो छोड़ दीजिए। दिल से जब प्रेम से बहुत अच्छे से कुछ करने को मन करे तब कीजिए, और फिर देखिए आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं कि जिनकी लाइफ अगर आप देखो तो जॉब में इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी होती है इतनी सी। अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करने से ही पैसे मिलते हैं, तो लाइफ में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करता है? मज़दूर, कि जो धूप में, बहुत कड़कड़ाती धूप में वो खड़े रहकर वो मज़दूरी करेगा खुले पैर, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क हो गया, राइट? लेकिन फिर भी उसकी सैलरी कितनी होती है? आई थिंक दुनिया में सबसे कम सैलरी उसी की होगी। और दूसरी तरफ आप कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO को देखिए, उनका जो काम है, उनकी कंपनी का काम है, मैनेजर को दे देते हैं, मैनेजर सारा काम अपने वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन जो CEO है अपनी कंपनी के लिए सबसे श्रेष्ठ डिसीजन लेते हैं। बस 20% वो अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे कि जिससे 80% कंपनी के लिए बहुत अच्छे प्लान्स, बहुत अच्छे डिसीजंस वो बनाएंगे कि जिससे बाकी की जो कंपनी है बहुत अच्छी तरह से फंक्शन करे। यहाँ पर 80-20 प्रिंसिपल है। लाइफ में आप कहीं पर भी देखो, हर जगह पर 80-20 प्रिंसिपल है। स्कूल का समय याद कीजिए, आपने जिस विषय में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी वहाँ पर आपको 20% रिज़ल्ट मिला, और जिस विषय में आपने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा था, उसमें आपको 80% रिज़ल्ट मिला। अब 80% ऐसा नहीं कि आपको 80% रिपोर्ट कार्ड में मिला, बट कंपैरेटिवली ज़्यादा मिला उस दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा। फिर रिलेशनशिप में कुछ लोगों को आप देखिए, इतने ज़्यादा मुश्किल से अपने पार्टनर को मनाते हैं, पटाते हैं, पता नहीं क्या, इतनी मुश्किल से पार्टनर मानते हैं, 2 मिनट के बाद वापस रुक जाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इतना ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करते हैं पार्टनर को साथ में रखने की, वो ना ही मेहनत करते हैं पार्टनर के ऊपर, मतलब पार्टनर को उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा रहे उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनर उनके ऊपर ट्रस्ट करते रहते हैं। सी 80-20 प्रिंसिपल दुनिया में हर एक जगह पर, हर एक क्षेत्र में अप्लाई हो रहा है। दुनिया का 80% पॉपुलेशन जो मेहनत करता है, जो पैसे कमाता है, वो सारे पैसे अगर आप मिलाओ तो सिर्फ दुनिया का जितना पैसा है उसमें से 20% पैसा वो बनता है, और दुनिया के जो बाकी के 20% लोग हैं उनके पास जो पैसे हैं वो दुनिया भर के पैसे अगर आप मिलाओ उसका 80% बनता है। दिस लॉ इज नो जोक, बिल्कुल सही है, सही तरह से हर एक जगह पर अप्लाई होता है। अब आप कहेंगे, लेकिन ये तो चीटिंग हो गई, ये तो मतलब गलत बात हो गई, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको रिटर्न मिलना चाहिए। कुछ लोग हैं कि जो लेजीनेस भी कहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, और उसको पता है कि कोई भी काम, बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो दिया गया है उसे सबसे कम समय में ख़त्म करना और सबसे बेस्ट उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए, तो वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसा
समय भी, मतलब छोटे से समय में, थोड़े से समय में उसे सॉल्व कर भी देगा। वहाँ पर किसी तरह की चीटिंग उसने नहीं की, जस्ट उसने अपना इंटेलिजेंस यूज़ किया और सबसे बेस्ट आउटपुट उसको मिल गया। तो इट इज़ नॉट, हाँ लेजीनेस अगर आप कहो तो वो भी सही है। एक ऑथर है 4-Hour Workweek, टिम फेरिस। टिम फेरिस पूरे हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं और उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। उनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि सालों पहले वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे और उनकी सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। वो US में हैं शायद, तो उनकी सैलरी $1500 हुआ करती थी। अब $1500 इंडिया के हिसाब से ज़्यादा है लेकिन उनके लिए बहुत कम है। तो उन्होंने सोचा, यार ऐसा तो क्या मैं करूं कि जिससे सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और काम बहुत कम करना पड़े। उनकी बुक बहुत अच्छी है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।